उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, 150 से ज्यादा लोग अब भी लापता। 24 से 48 घंटे तक चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, मौके पर तमाम राहत एजेंसियां मौजूद। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी में अचानक बढ़ा जलस्तर, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में साल 2020 से ही शुरू हुआ था बिजली उत्पादन, अब नहीं बचा ढांचा। चमोली के तपोवन में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान, कई मजदूरों का अब तक कोई पता नहीं। देर रात के बाद सुबह से फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन विजिबिलिटी और मौसम की वजह से थोड़ी धीमी रही रात की गति। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली एनडीआरएफ कंट्रोल रूम में मौजूद, हालात को लगातार कर रहे हैं मॉनिटर। अमित शाह ने भी की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बीजेपी कार्यकर्ताओं को निर्देश, मौके पर मदद पहुंचाने की बात। हादसे पर सोनिया गांधी ने जताया दुख, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मदद की अपील। तपोवन के पास फिर से बढ़ने लगा नदी का जलस्तर, ग्लेशियर टूटने से जमा हुए मलबे की वजह से बनी झील। तपोवन के पास बनी झील से निचले इलाके के लिए बड़ा खतरा, नदी में जगह जगह जमा है मलबा। आपदा में तपोवन के आसपास 13 गांव से टूटा संपर्क, हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे हैं राशन के पैकेट। सैलाब से जोशीमठ में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची धौली गंगा नदी, सुबह 11 बजे 1388 मीटर तक पहुंचा था जलस्तर। 2013 के उत्तराखंड आपदा में भी जोशीमठ में नहीं उठा था इतना जलस्तर, 1385.54 मीटर तक पहुंचा था पानी। तपोवन के पास एक सुरंग से निकाले गए 16 लोग, आईटीबीपी के जवानों ने दिखाई जाबाजी। नई जिंदगी मिलने के बाद बचाए गए सभी लोगों ने लगाए जय बद्री विशाल के नारे, घायलों का आईटीबीपी अस्पताल में इलाज। दिन में बंद किया गया था टीरी डैम से छोड़े जाने वाला पानी, देर रात नियंत्रित रूप में छोड़ा गया पानी, पूरी तरह सुरक्षित है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर बना डैम, नुकसान होने पर हो सकती है भारी तबाही। अमेरिका ने भी जताई उत्तराखंड आपदा पर संवेदना, विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर आहत परिवारों के प्रति जाहिर किया दुख। राहत में सबसे पहले जुटी सेना और आईटीबीपी की टीम, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की भी टीम। गाजियाबाद में मौके के लिए रवाना हुई एनडीआरएफ की 5 कंपनी, देर शाम देहरादून पहुंचे 2 C-130 हरकुलस विमान। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा शाम तक निकाले गए 8 शव। तपोवन पहुंचकर हादसे का सीएम रावत ने लिया मुआयना, राहत ऑपरेशन पर पूरी नजर। ये मोदी ने मुख्यमंत्री रावत से की बात, हादसे पर ली पल पल की जानकारी। हादसे की जगह पर सबसे पहले पहुंची आज तक की टीम, संवाददाता तेजपाल सिंह चौहान और संवाददाता प्रवीण सेमवाल सबसे पहले मौके पर पहुंचे। तपोवन के पास दूसरी टनल में 30 लोगों के फंसे होने की आशंका, सेना आईटीबीपी और एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। आदिकांड के पास ऋषिकेश जोशीमठ माना रोड फिर से खोला गया, बीआरओ ने साफ किया मलबा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आपदा में मृत आत्माओं की शांति के लिए विशेष पूजा, गंगा से अपना रौद्र रूप शांत करने की प्रार्थना। अजय देवगन और अक्षय कुमार ने हादसे पर जताया दुख, उत्तराखंड के लोगों के लिए जताई संवेदना। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा, कहा बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही किसानों के साथ होगा न्याय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंगाल में ममता बनर्जी से अपने अधिकारों की बात पूछ लेंगे तो मुख्यमंत्री बौखला जाती है। चुनाव से पहले बंगाल में पीएम ने 5000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। असम दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने 2 अस्पतालों की रखी आधारशिला, रैली को किया संबोधित, जुटी भारी भीड़। पीएम मोदी ने कहा अब असम के लोगों को बेहतर इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा, कहा जल्द स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जानी जाएगी गुवाहाटी। अमरावती में पुलिस में तैनात
एपीआई ने सरकारी क्वार्टर में की खुदकुशी, सुसाइड नोट बरामद, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में बच्ची से रेप के बाद पीड़िता का शव जलाने की खौफनाक कोशिश, पुलिस वीडियो की जांच में जुटी। मोतिहारी में थानेदार ने रची गैंगरेप के सबूत मिटाने की साजिश, थाना प्रभारी की भूमिका की जांच, क्राइम सीन सील। मथुरा में एक ही परिवार के तीन लोगों ने की खुदकुशी, पति पत्नी और बच्चे की मौत जहर खाने से हुई। हापुड़ में फास्ट ट्रैक को लेकर टोल कर्मचारी और कार सवार युवकों में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, नुकसान का आकलन जारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में चलता ट्रक भरा आग का गोला, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान, धू कर जला ट्रक। एमएनएस की गुंडागर्दी, मराठी ना बोलने पर युवक की धुनाई, एमएनएस ने युवक पर राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का लगाया आरोप। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 1 किलो सोना पकड़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख कीमत। ब्रिटेन आडा में तेज रफ्तार दो गाड़ियां आपस में भिड़ी, सब रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी घायल। झारखंड के धनबाद में दो नाबालिग लड़कियों ने मंदिर में रचाई शादी, पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों परिवारों के हवाले किया। फोन वीडियो रैकेट मामले में गिरफ्तार ज्ञाना वशिष्ठ को पुलिस रिमांड, 10 फरवरी तक पुलिस करेगी पूछताछ। अन्ना में सोशल मीडिया पर सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, एसपी ने किया लाइन हाजिर। बाराबंकी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। रायबरेली के एचडीएफसी बैंक की मुख्य शाखा में आग की वजह से हड़कंप, सर्वर रूम की बैटरी में लगी आग। गाजियाबाद में बीती रात घर में घुसे लुटेरों ने महिला और बच्चों को पढ़ाने आई ट्यूटर की हत्या की, बच्चों को किया घायल, दो आरोपी गिरफ्तार। नालंदा में 17 साल की छात्रा की अगवा कर की गई हत्या, मरने से पहले छात्रा ने एक लड़की को किया था फोन, रोते हुए जताया था डर। सहारनपुर में हुआ हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पुल से नीचे गिरी, एक शख्स की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में 9 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाला शख्स गिरफ्तार, जुए की लत और उधार चुकता करने के लिए बच्चे का किया था अपहरण। दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल ने मां बाप की कुल्हाड़ी से मारकर की हत्या, वारदात के बाद आरोपी बेटे ने की खुदकुशी। चेन्नई टेस्ट में भारत की हालत खराब, पहली पारी में इंग्लैंड से अभी 321 रन पीछे है टीम इंडिया। आज पहले टेस्ट का चौथा दिन, 6 विकेट खोकर टीम इंडिया ने बनाए 257 रन, वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर चढ़े। भारत ने कल के खेल में जल्दी जल्दी खोए विकेट, कोहली रोहित और रहाणे सस्ते में निपटे। एक बार फिर पुजारा और पंत ने संभाली भारतीय पारी, पंत ने खेली ताबड़तोड़ 91 रन की पारी। डोमेस की धारदार गेंदबाजी के आगे नहीं टिक सके भारतीय बल्लेबाज, बेस ने झटके 4 विकेट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।